इस सिस्टम को तोड़ने का पहला कदम है तुम्हारा सिलेक्शन। जाओ मान जाओ। है तुम बंद कर। कौन तुम्हारी वो है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर उससे मेरी आंख लड़ी है। यानी तुम्हारे होने वाली पत्नी है? देखो बॉ, तिरंगे की बेइज्जती करने वाले को तुमने कैसा सबक सिखाया। एक आम इंसान के साथ जब नाइंसाफी हुई तब इंस्पेक्टर से टक्कर लेने वाले तुम्हारी हिम्मत के बारे में सुंदरलाल जी ने मुझे बताया था। पुलिस की लाठी पड़ने पर भी चुपचाप सहने वाले तुम्हारे नेक इरादों को मैंने देखा है। इसलिए तुम जैसे समझदार हो। आप चाहे कुछ भी कहिए सर, ये नेतागिरी मुझसे नहीं हो पाएगी सर। मैं हाथ जोड़ता हूँ, मुझे छोड़ दीजिए। बॉस, सभी तुम जैसे मुंह मोड़ लेंगे तो अपने देश की बागडोर को ऐसा कोई फैसला। अभी फैसला लेने की जरूरत नहीं, अच्छी तरह सोच समझ के जवाब देना। अगर सब लोग मुझे क्यों कहेंगे तो कैसे चलेगा? शास्त्री जी अगर मुझे क्यों सोचते तो हम जंग नहीं जीतते। महात्मा गांधी अगर मुझे क्यों सोचते तो हमें आजादी कभी नहीं मिलती। ये तो सच है गुरुजी, लेकिन मैं एक मजदूर इंसान सर पे टोपी पहनकर हाथ में लकड़ी लेकर चलूंगा तो? राजनीति सिर्फ लकड़ी उठाना ही नहीं है बॉस, वो तो एक धर्म है। अपने अधिकार को तो हर कोई पा सकता है, लेकिन गरीबों की सेवा करने की भावना हर किसी में नहीं होती। तुम जैसे नेक और शरीफ आदमी अगर राजनीति में नहीं आएंगे तो समझ लो भारत माता की दुर्दशा आरम्भ हो गई। आप जो कह रहे हैं उससे मेरा फैसला नहीं बदलेगा गुरुजी। नहीं नहीं बेटे, तुमने बिल्कुल सही कहा था, तुम्हें राजनीति नहीं चाहिए। मैं राजनेता बनूंगा गुरुजी। सोए हुए शेर को अगर जगा दिया जाए तो क्या होता है, उन लोगों को दिखा के रहूंगा। बहुत खुशी हुई। इतनी जल्दबाजी मत कीजिए, कुछ कहानी है जो मुझे बतानी है।
मैं ज्यादा सोचता नहीं हूँ सर। अच्छी बात है। गुस्सा मेरी नाक पर रहता है, अगर कोई भी गलत काम करता है तो बैंड बजा देता हूँ। मार्केट की तरफ अगर किसी ने आंख उठाई तो देखने के लिए आंखें नहीं रहेंगी, वैसा बना दूंगा सर। वेरी गुड। इस देश को तुम्हारे जैसे नौजवानों की सख्त जरूरत है। ऐसा है तो जय हिंद साहब जी। अपनी बस्ती के सारे वोट हम तुम्हें डलवाएंगे मिस्त्री। ओ, हो गई छुट्टी। अच्छा मजाक कर रहा है। तुम्हारी बस्ती में तो गाय भैंसी है। बस्ती में आ देख लूंगा। क्या करोगे? तेरे पीछे किसी को लगा दूंगा। किसे लगा दोगे? सांड को। अरे बाप रे! सुभाष चंद्र बोस जिंदाबाद! सुभाष चंद्र बोस जिंदाबाद! सुभाष चंद्र बोस जिंदाबाद! हमारा नेता सुभाष चंद्र बोस! हमारा नेता सुभाष चंद्र बोस! हमारा नेता सुभाष चंद्र बोस! सत्यानाश हो गया। आप जरा बंद करेंगे भैया? आप जी आपके दर्शन करना चाहते हैं, जरा अंदर आएंगे। बोस भाई, वो बड़े खतरनाक लोग हैं। कासिम भाई, आपकी दुआओं के होते हुए मेरा कोई कुछ नहीं कर पाएगा। हाँ बोलो, सुभाष चंद्र बोस जिंदाबाद। आइए साहब जी। पचास लाख उठा लो। इलेक्शन से नाम वापस लेने के लिए? नहीं, जीतने के लिए। उसके लिए क्या पैसे चाहिए? रियासत तुम्हारी होलसेल मार्केट नहीं है बोस, कुरुक्षेत्र का मैदान है। इस राज्य का हर एक एमएलए मुझसे पैसे लेकर जीतते आए हैं। हम कुत्तों को हड्डी खिलाते हैं और तुम जैसे लीडरों को पैसे खिलाते हैं। ये बोस तुम्हारी हड्डियां खाने वाला कुत्ता नहीं है, असेंबली में जाने वाला शेर है। इनकार मत करो, तुम्हें लेना ही पड़ेगा। तुम वोट के लिए बेगिंग करोगे तो हम रिगिंग करेंगे। कुंडे मुझसे पलते हैं, मैं पॉलिटिक्स से पलता हूँ। तुम्हारी इसी गलत फहमी को दूर करने के लिए मैं पॉलिटिक्स में उतरा हूँ, चलता हूँ। खैर रुपयों को छोड़ो, मेरा वोट भी नहीं चाहिए। नहीं चाहिए? कुछ भी नहीं चाहिए। क्योंकि अगर मैं हार गया तो तुम मुझ पर जो अधिकार चलाओगे वो अधिकार मैं तुमसे छीनना नहीं चाहता। चलो। वोटिंग ईमानदारी से चल रही है ना? हाँ, ईमानदारी से चल रही है। अरे अभी तो तुम वोट डाल कर गई, फिर आ गई। अरे अंधी हो क्या? वो मेरी दीदी है, मैं छोटी हूँ। देखो मैं चुनरी भी नहीं पहनी, मैं तो छोटी। क्यों रे मेरी बंद गोभी? क्या है मिस्त्री? वोट डालने के लिए आई है। दो बार हो गया, तीसरी बार है। जाली वोट डालने आई है। चल मेरे साथ। जाली वोट वाली है, सुनिए साहब। ए मिस्त्री, मैंने डाल दिया। अरे ये जाली वोट डालने के लिए आई है। ऑफिसर साहब, इसका वोट आप कैंसिल कीजिए। नहीं सब नहीं, रंगीली का वोट कैंसिल कर दीजिए, लेकिन उससे पहले वाला वोट आप चालू रखिए। हाँ वो सारे वोट कैंसिल कर दीजिए। विधानसभा के उपचुनाव में सत्ता पार्टी के उम्मीदवार के सुभाष चंद्र बोस 1 लाख वोटों के बहुमत से विजयी घोषित किए जाते हैं। उपचुनाव में विजय प्राप्त करने वाले श्री के सुभाष चंद्र बोस को अपने मंत्रिमंडल में शामिल करने का मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया है। कल सुबह 11:30 पर शपथ समारोह का आयोजन राजभवन में किया गया है। अब के सुभाष चंद्र बोस जी कैबिनेट मंत्री की शपथ ग्रहण करेंगे। सर सर, वो मेरे लोग हैं, उन्हें अंदर आने दीजिए ना। एक्सक्यूज मी सर, सिक्योरिटी प्रॉब्लम, उन सबको अंदर बुलाना मुश्किल है। मुश्किल है तो मैं यहाँ शपथ नहीं लूंगा। जय हिंद साहब जी। बोस बोस इधर आओ। पहले उन लोगों को करता हूं। अंदर आने दो।